हेलो एंड वेलकम टू कुक प्रेमलता आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी एक बार ट्राई करिएगा मेरे हिसाब से बनाइएगा बहुत ही अच्छा बनेगा ट्राई जरूर करिएगा तो इसके लिए मैंने तेल गरम किया है उसमें जीरा सरसों हरी मिर्च और तेज़पत्ता डाला है तो अच्छी तरह से मिर्ची करकल हो जाए मतलब थोड़ा लाल हो जाए उसके बाद ही दूसरा इसमें काजू भी डालना है मुझे तो काजू इसलिए मैं पहले डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो काजू भी मैंने एक कटोरी जैसा ही लिया है तो क्वांटिटी अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं तो मैंने काजू को दो टुकड़े में नहीं काटा है गोटा ही रखा है उसको और आप चाहें तो उसको दो टुकड़े में काट सकते हैं तो मैंने इसमें एक किलो जैसे टमाटर लिया है तो उसको मैंने चार टुकड़े में काट लिया है इसको आप चाहें तो पीस भी सकते हैं मैंने पीसा नहीं है क्योंकि यह बहुत आसानी से गल जाता है और इस हिसाब से बनाइए तो देखिए कितने आसानी से बन भी जाता पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसके बाद उसको ढक देना है और ढक के मैंने दो तीन मिनट उसको तो ढक के पकाया है उसके बाद इसमें थोड़ा नमक डाला है एक चम्मच नमक डाला है उसके बाद उसको ढक ढक के पकाना है और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आसानी से पक जा रहा है पानी भी पूरा अच्छी तरह से ये पक रहा है तो नमक डालने से यही यह ये है कि पकता ही बहुत आसानी से है तो वही मैंने कहा था कि खट्टा मीठा तो नमकीन भी है तो तीखा भी डाला है अब इसमें मीठा भी डालूंगी आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं चीनी डाल सकते हैं आपकी मर्जी है तो मैंने चीनी डाला है इसमें तो देखिए कितनी अच्छी तरह से पक रहा है और इस तरह से दबा दबा के इसको करिएगा टमाटर जैसे जैसे पकेगा ये दबाएँगे तो अच्छी आसानी से ये दब जाता है ये देखिए आप इसको इस तरह से दबा दबा के पकाइए ये आसानी से पक जाएगा और अब इसको थोड़ा कड़ा लगेगा तो फिर ढक के पकाइए तो ये बहुत आसानी से पंद्रह से बीस मिनट लगता है इसको चटनी में बनने में क्योंकि आप चाहें तो इसको पीस देंगे तो बहुत जल्दी से ये गल जाएगा तो इसको इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो थोड़ा सा ढक ढक के पकाना होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है एक बार इस तरीक़े से ज़रूर बनाइएगा तो देखिए मैं ढक ढक के पका रही हूँ तो कितना अच्छी तरह से ये इसका ये टमाटर आधा से ज़्यादा गल चुका है और ये खजूर है जो मसा जो आसानी से आपको राशन की दुकान में मिल जाता है तो इस तरह से जाके आप परचेस कर सकते हैं किसी भी किराने की दुकान में आपको मिल जाएगा ये और ये देखिए इसको खजूर को मैंने इसका बीज निकाल दिया है और चार पांच टुकड़े में इस तरह से काट दिया है और इस तरह से इसको डाल के पकाऊंगी क्योंकि इसको भी सॉफ्ट करना ज़रूरी है और इस तरह से जब आधा से ज़्यादा कुक हो चुका है तो मैं चीनी डाल रही हूँ चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा आप चीनी चीनी और गुड़ दोनों मिला के कर सकते हैं मैं इसमें केवल चीनी डाल के बना रही हूँ तो आप दोनों को भी डाल के एक साथ बना सकते हैं मेरे पास गुड़ नहीं था इसलिए मैं खाली चीनी डाल के ही बना रही हूँ तो चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा आपको कितना मीठा चाहिए और जितना टमाटर था उससे ए, कम मैंने चीनी डाला है और ये पक जाता है तो उतना ज़्यादा ये नहीं रहेगा इसको पानी थोड़ा सुखा देना है और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गया है और ये रस थोड़ा देरी में जब ढक के रख देंगे तो ये सूख भी जाएगा तो इस तरह से बनाइए और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं देखिए मैं काली मिर्च डाल रही हूँ एक चम्मच काली मिर्च डालना है इसमें और इसको बस आप पूड़ी के साथ आप पराठा के साथ सादा रोटी के साथ बच्चों को दीजिए टिफ़िन उफिन में भी दीजिए आप छोटा मोटा कुछ घर में फंक्शन कर रहे हो उसके लिए मीठा चटनी बनाइए तो सभी को पसंद आएगा बच्चे बूढ़े जवान सभी इसको बहुत पसंद से खाएंगे तो इस तरह से मेरे तरीके से बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी थी रेसिपी आप इसको ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं सफ़र में तो और आप पूड़ी के साथ सत्तू पराठा के साथ आलू पराठा के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं तो नमकीन और मीठा बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरह से बनाइए और देखिए पक के तैयार हो चुका है और काली मिर्च मेरा थोड़ा कम था तो मैंने एक चम्मच डाल दिया है और एक चम्मच डालने के बाद इसका क्योंकि मीठा है तो इसमें थोड़ा काली मिर्च पड़ गया तो तीखा भी हो जाएगा थोड़ा सा तो ये में बैलेंस में आ जाएगा तो सब तरह से हो गया नमक भी मैंने डाला है चीनी भी डाला है थोड़ा तीखा मिर्ची भी डाली है तो काली मिर्च भी डाली तो सब बैलेंस में है तो इस तरह से बनाइए बहुत ही अच्छा बनता बहुत ही टेस्टी तो बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय